हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं DU/MSc फिजिक्स का सोल्यूशन, जो कि ईयर 2019 का है और ये पार्ट टू है। इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ 25 प्रॉब्लम 26 टू लेकर प्रॉब्लम 50 तक। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो एक बार प्ले लिस्ट को विजिट कर लें, वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन मिल जाएंगे, चाहे DU हो या BHU हो या JNU हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वाला जो पार्ट वन था जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ था प्रॉब्लम वन टू प्रॉब्लम 25, उसमें दो क्वेश्चन के जो आंसर थे सिली मिस्टेक की वजह से वो क्या हो गए थे, रॉन्ग हो गए थे। तो इस वाले पार्ट में मैं उन दोनों को क्या करूंगा, करेक्ट करूंगा। और इसमें क्या हुआ था कि अगर आपको पता होगा, इसमें एक चीज हुई थी, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत ही ज्यादा रॉन्ग सोल्यूशन दे दिया था, प्लस माइनस की वजह से गलती हो गई। तो यहाँ पे एंट्रोपी में जो आंसर था वो क्या होता है, उसको ऐड कर दोगे तो 184.8 हो जाएगा जूल पर केल्विन। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से 22437 के आसपास आने लगा था आंसर। दूसरा जो था, यहाँ पे ध्यान देना था कि जो स्पीड थी वो प्लस माइनस C/2 थी। तो कुछ सिचुएशन कुछ ऐसा था कि इस तरीके से एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, एक को आपको प्लस C/2 लेना था, एक को आपको माइनस C/2 लेना था। तो यहाँ पे आप सिंपली एक के रिस्पेक्ट में अगर आप वेलोसिटी निकालोगे रॉकेट का विथ रिस्पेक्ट टू अनदर रॉकेट, तो यहाँ पे क्या था, UX- जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका UX-B अपॉन 1-UXB/C². तो यहाँ पे एक की C/2 और एक की माइनस C/2 आप रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, C/2 इसका माइनस C/2, ये प्लस कर देगा इसको। सिमिलरली ये C/2 माइनस C/2 इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 1+ आपका C/2 × C/2 अपॉन C². इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे तो ये 4C/5 आएगा। तो जब ये 4C/5 आएगा तो आपको सिंपली क्या करना था, L=L0 अपॉन √1-B²/C², यहाँ पे पुट कर देना था। तो ये आपका आ जाता 1-4C/5/C² इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो ये 3/5L आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था 3/5 वो क्या हो जाता है, आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, जिसको आप टिक कर लीजिए। यही दो क्वेश्चन था जो थोड़ा सा सिली मिस्टेक की वजह से गलत ऑप्शन आ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ए लार्ज एंड स्फेरिकल सोप फिल्म ऑफ थिकनेस डी हैज ए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3। थिकनेस डी दी हुआ है, म्यू की वैल्यू कितनी दी है आपकी 4/3 दी हुई है। येलो लाइट का जो वेवलेंथ है आपका, लैम्डा की वैल्यू जो दी है आपका 6400 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ये याद रखे रहिए। इंसिडेंट ऑन ए फिल्म एट एन एंगल 30 डिग्री, थीटा की जो वैल्यू है आपकी 30 डिग्री दी है। वॉट इज द वैल्यू ऑफ डी विच इज द कंस्ट्रक्टिव सेकंड ऑर्डर इंटरफेरेंस, एंग की वैल्यू जो है यहाँ पे 2 दी हुई है, अकर एट द रिफ्लेक्टिव वेव। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, कंडीशन याद रखे रहिए, ये होता है आपका 2μd cos r विल बी इक्वल टू m ± ½λ। प्लस लेमडा कब लगाते हैं, जब आप m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट करोगे, और माइनस आप कब लगाते हैं, जब आप m की वैल्यू 1, 2, 3 से। आप यहाँ पे m = 2 पूछा है तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो हमें नहीं पता कौन सा लगाना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपकी d की वैल्यू आएगी m ± ½λ/2μ cos r। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सारी वैल्यू दी हुई है, हमें cos r की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ईजी है, साइन r की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एक्चुअली हमें r की वैल्यू चाहिए, तो साइन r की वैल्यू यहाँ पे स्नैप लॉक लगा दीजिए, तो यह क्या आ जाएगा आपका n2/n1 sin i। ओके, तो यहाँ पे n2/n1 मीन्स μ2/μ1, तो μ2/μ1 की वैल्यू 4/3 दी हुई है, और साइन i की वैल्यू हो जाएगी sin 30। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे r की वैल्यू जो आएगी अराउंड ये 1/2 के होने की वजह से 4/6 आएगी, तो r की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी sin 1 4/6। ओके, इसको सॉल्व करके देखिएगा तो ये अराउंड 41.8 डिग्री के आसपास आएगी। ये वैल्यू आपको क्या करना है, इसमें लाके पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो जब सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, 2±½λ की वैल्यू आप रख दो, 6400 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻¹⁰ मीटर अपॉन 2 × 4/3 cos 41.8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो यहाँ पे अराउंड 2 वैल्यू आएंगे, जब आप प्लस लेंगे तो क्या आएगा और माइनस लेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों चीज़ अभी याद रखे रहिए। जब आप प्लस लोगे तो अराउंड 44,800 के आसपास एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा, और जब माइनस लोगे तो अराउंड 11,200 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। तो हमें यहाँ पे 4,800 एंगस्ट्रॉम वाला मिल रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर लो, सिंपली टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटीग्रल −∞ से +∞ dy/dy sin y dy। तो देखिए ये कैसे, ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते, जब तक एक प्रॉपर्टी याद ना हो। एक प्रॉपर्टी होती याद रख रही है, −∞ से +∞ अगर कोई फंक्शन है y का और यहाँ पे डेल n
एन और ये कर लीजिए वाई माइनस ए डी वाई, ये किसके कुल होते हैं माइनस वन टू पावर एन एफ एन ए के, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप याद रखे रहिए, आप सिंपली इसको लगा देंगे। अब देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये याद रखे रहिए, ये इक्वल हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साइन वाई डेल, इसकी वैल्यू वन है तो यहाँ पे वन रख लीजिए। और ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली ये हो जाएगा वाई माइनस जीरो डी वाई। इसको क्या आप लिख सकते हो, अभी प्रॉपर्टी मैंने ये बताया, तो ये लिख दीजिए माइनस वन टू पावर वन डी बाई डी वाई, या फंक्शन क्या है आपका साइन वाई है किस पे, वाई इक्वल टू जीरो पे, ओके। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन हो जाएगी, क्योंकि डी बाई डी वाई आपको क्या देगा यहाँ पे, कॉस वाई दे देगा, ये माइनस वन देगा, ये कॉस वाई दे देगा, और वाई इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो कॉस जीरो का वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो आपको दिख रहा है माइनस वन, वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेंडर ऑफ लेंथ एल मेड अप ऑफ एन इनर कोर ऑफ स्टील रेडियस आर एंड आउटर सीट ऑफ द कॉपर थिकनेस आर, द रेजिस्टिविटी ऑफ द स्टील एंड कॉपर आर रो वन एंड रो टू रिस्पेक्टिवली, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस सिलेंडर का हमें बताना है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ सिलेंडर इस तरह का है आपका, याद रखे रहिए, इसको मिला लीजिए सिंपल सा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो ये जो रेडियस आपकी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, आर दी हुई है, और इसके बाद ये भी जो दिया हुआ है आर दिया हुआ है, तो ये याद रखे रहिए आप। और ये अगर हम टोटल इसकी बात करें, तो ये आर और ये आर, ये वाला ये टोटल कितना हो जाएगा, थ्री आर हो जाएगा, यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम जो ये आपको रजिस्टर दिया हुआ है, जो भी आपको सिस्टम दिया हुआ, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लेंगे दो रजिस्टर का, एक आर वन लेंगे और एक आर टू लेंगे, दो कॉम्बिनेशन का हम रजिस्टर लेंगे। अब आपको पता है कि आर की वैल्यू सिंपली क्या होती है, आर की वैल्यू होती है रो इंटू एल बाई ए होती है, कुछ ऐसा ही होता है, आपको सिंपल सा पता है। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी देखिए कभी भी चेंज नहीं करेगी और लेंथ चेंज नहीं हो रही, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू एल अपॉन ए वन, ओके। तो ये हो जाएगा रो एल अपॉन ए की वैल्यू, आप ए वन की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली R2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी रो टू एल अपॉन ए टू, और यहाँ पे रो टू एल अपॉन ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी थ्री पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एड हो जाएगा। अब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो वन बाई आर किसके इक्वल होता है, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, आर वन की वैल्यू ये है, आर टू की वैल्यू ये है, दोनों को पुट कर दीजिए। दोनों को अगर आप पुट कर देंगे तो ऑप्शन जो निकल के आपका आएगा, एग्जैक्ट करके देखिएगा, वो निकल के आएगा आपका, मैंने किया हुआ है, ये आएगा आपका रो वन रो टू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर थ्री रो वन प्लस रो टू, ओके। ये करके देखिए तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल कन्फाइंड मूव इन जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट है, डिस्क्राइब बाय वेव फंक्शन साई एक्स इक्वल टू साई एक्स, क्या गिवन है आपका, ये गिवन है आपका एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई टू, ओके। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल एल एन टू दिया हुआ है, टू मत कर दीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी आपको क्या होता है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी जो होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट उसके, लेकिन यहाँ पे लिमिट दिया है जीरो टू एल एन टू, लिख दीजिए और ये लिख दीजिए मॉड साई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, यही तो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जीरो टू एल एन टू, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो सिंपली ई टू पावर माइनस एक्स बचेगा और डी एक्स बचेगा, ये कितना हो जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स अपन माइनस वन, लिमिट दे दीजिए जीरो टू एल एन टू तक, ये कितना दे देगा आपका, ये दे देगा आपका, आप जीरो रख दो पहले एल एन टू रख दो फिर जीरो रख दो, तो ये कितना आ जाएगा माइनस वन बाई टू और ये आ जाएगा वन, तो सिंपली आंसर आएगा वन बाई टू, वन बाई टू ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट बी विद द रीजन ऑफ आर क्यूब डिटरमाइन बाई द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू वन, और ये लिमिट दिया हुआ है जीरो इज लेस देन इक्वल टू जेड इज लेस देन इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिटरमाइन, ये चीज पूछा हुआ है आपको। देखिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, देखो आई विल बी इक्वल टू, आप लिख सकते हो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी क्यूब आर को आप लिख दो डी एक्स डी वाई डी जेड, ओके। और इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर दो आप, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका आपका आ जाएगा जेड और जेड की लिमिट है आपकी जीरो और ये हो जाएगा आपका फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स डी वाई। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना है, कुछ करना नहीं है, एक्स की वैल्यू आप आर कॉस थीटा पुट कर दीजिए और वाई की वैल्यू आप आर साइन थीटा पुट कर दीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग लिमिट चेंज कर दीजिए आर की जीरो से वन थीटा की जीरो टू टू पाई और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा फाइव पाई बाई थ्री। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन ग्रुप में डिस्कस किया जा चुका है। लेट साइन ऑट एक्स एंड साइन एक्स बी द वेव फंक्शन करेस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर रेस्पेक्टिवली। कंसीडर द नॉर्मलाइजेशन स्टेट फाइव एक्स विल बी इक्वल टू अल्फा साइन ऑट एक्स प्लस बीटा साइन एक्स वेयर अल्फा बीटा आर रियल नंबर द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा फॉर विच एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द पोजिशन ऑफ मिनिमम आर। देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, यहाँ पे देखिए आपको नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट निकाल दी। सबसे पहले आपको क्या निकालना था, फाइव फाइव x का फंक्शन विल बी इक्वल टू वन कर देना था। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन। और आपको पोजीशन ऑपरेटर पता है x कैप, वो क्या होता है अंडर रूट h कट अपॉन 2m ओमेगा a प्लस a डैगर। ओके अब इसको क्या करना था, आपको इसमें सिंपली अप्लाई कर देना था। जब आप एवरेज निकालोगे एक्सपेक्टेशन निकालोगे x का, तो इस पर आप अप्लाई कर दो और साई की वैल्यू आपको पता है उसमें पुट कर दो। पुट करके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी, करके देखना आप, ये आएगी अंडर रूट एच कट अपॉन 2m ओमेगा 2 अल्फा बीटा। ये आप करके देख लो तो यहाँ पे आपको यही वैल्यू मिलने वाली है। जब आपको यही वैल्यू मिलेगी और आपको एक चीज पता है, जो भी प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा का वो मिनिमम तभी होगा जब अल्फा और बीटा क्या हो, अपोजिट साइन के हों। ठीक है, तो x को मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा को अपोजिट साइन का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन। ओके तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस अल्फा स्क्वायर का मतलब प्लस अल्फा स्क्वायर, टू अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल दे देगा 1 के, तो अल्फा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट टू। बीटा क्या है, माइनस अल्फा के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस अपॉन 1 बाई रूट टू। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस बीटा इक्वल टू 1 बाई रूट टू क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ए पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल ड्यू टू द पोटेंशियल वी एक्स हैज द फॉलोइंग वेव फंक्शन। ये कोई वेव फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जहां पे ए कांस्टेंट है। अब कह रहा है इफ वी एक्स इज टेंडिंग टू 0 एज एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट देन द वैल्यू ऑफ वी एक्स विल बी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ लगाइएगा, मैं बता देता हूँ। श्रोडिंगर इक्वेशन में आपको सिंपली इसको क्या करना है, पुट करना है। देखिए ये होगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस भी, ये एक्स का फंक्शन होगा, साई इजकल टू ई साई, सब एक्स का फंक्शन होगा। और इसमें दो बार डिफ्रेंशिएट करके आप इसको पुट कर दीजिएगा। पुट करके आप जब फाइनल पहुंचोगे, तो मैं तो देखिए एग्जैक्ट नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि इतना यहाँ स्पेस नहीं, आप लगाइएगा। यहाँ पे जब फाइनल पहुंचोगे तो जो वी एक्स की वैल्यू आएगी, मैं बता देता हूँ, आएगी आपकी एच कट स्क्वायर बाई टू एम, डिटेल सोल्यूशन चाहिएगा तो आप बता दीजिएगा, मैं दे दूंगा, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एन अपॉन एक्स ए प्लस ई प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना था, वी एक्स कहाँ था, टेंडिंग टू जीरो एज एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। जैसे ही आप डालोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा ई प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो। और वी एक्स की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी एच कट स्क्वायर बाई टू एम एन एन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एन अपॉन एक्स ए। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो ऑप्शन डी जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप आई होप कि सही कर लोगे, टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एस बी द सेटिस्फाइड बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशन। एक्स की वैल्यू है 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, वाई की वैल्यू है साइन बीटा और जेड की वैल्यू है कॉस अल्फा। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन टेंजेंट टू एस द पॉइंट पाई स्क्वायर 0 0 इज गिवन बाय। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये क्वेश्चन ग्रुप में आई थिंक अभी जल्द ही में डिस्कस किया गया, कुछ करना नहीं है इसमें। अब देखिए जो वैल्यू दी हुई है आपकी, एक्स की वैल्यू है आपकी 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, वाई की वैल्यू आपकी साइन बीटा और जेड की वैल्यू आपकी कॉस अल्फा। ठीक है, अब आपको इक्वेशन यहाँ पे निकालना है, इसको आप थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। आप चेंज कैसे कर सकते हैं, देखो एक्स की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान देना, एक्स को लिख सकते हो आप 4 अल्फा स्क्वायर है तो इसको आप लिख दो यहाँ पे, अल्फा को लिख सकते हो आप कॉस इनवर्स जेड यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, कॉस इनवर्स जेड का होल स्क्वायर प्लस बीटा है, बीटा को यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो साइन यूनिवर्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन यूनिवर्स वाई। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, अगर हम फाइव फंक्शन माने एक्स वाई जेड का, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 4 कॉस यूनिवर्स जेड स्क्वायर माइनस साइन यूनिवर्स वाई विल बी इक्वल टू जीरो। इसके बाद क्या करना मैं बता देता हूँ, फाई निकालना है किस पे आपको, फाई स्क्वायर 0 0 पे। तो आपको क्या क्या निकालना है याद करिए, आपको डेल फाई बाय डेल एक्स निकालना है, डेल फाई बाय डेल वाई निकालना है और डेल फाई बाय डेल जेड निकालना है। ठीक है, सब एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पे निकालना है और सबको जीरो कर करके वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो आपका ऑप्शन आएगा करके देखिएगा आपका, वो आएगा एक्स माइनस वाई प्लस 4 पाई जेड विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर वेव इन अ सर्टेन मीडियम द ग्रुप वेलोसिटी वी जी वाइल द फेज वेलोसिटी वी पी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई वेव किसी मीडियम में मूव करती है तो उस केस में क्या होता है कि यहां पे देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली ट्रू, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो ग्रुप वेलोसिटी होती है किसी भी वेव का जो किसी भी मीडियम में मूव करे, वो हमेशा क्या होती है स्पीड ऑफ वेव मतलब सी से क्या होती है लेस होती है। तो बी जी इज लेस देन सी यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा। दूसरा, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो भी क्या होता है सी स्क्वायर से लेस देन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिख रहा है आपका बी जी लेस देन सी और बी जी बी पी इज लेस देन सी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर लो। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी चीज आपको देखना होगा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो होता है फेज वेलोसिटी का कुछ नहीं होता है, एक चीज और याद रखे रहिए, तो वो कोई भी वैल्यू ले सकती है। तो यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट जो होगा, इसको कट करिए आप, मोर अप्रोप्रिएट अगर आप देखो तो ऑप्शन बी होगा। तो बी जी लेस देन सी एंड बी पी कैन बी एनीथिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा आपका वो क्या होगा राइट ऑप्शन होगा। इसको आप टिक, इसको आप सोच के बताना अगर आपको रॉन्ग लगता है, तो बी और डी में से कोई होना चाहिए। तो मोर अप्रोप्रिएट मुझे बी ऑप्शन लिख रहा है, तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक करो, राइट ऑप्शन करो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 पे। द सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर्स यूजेज एन आइडियल ऑप एम फॉर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वी इनपुट। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई है। अब क्या करना है, द सर्किट वर्क्स एज, सर्किट कैसा वर्क करेगा। तो ये देखिए, ये सिंपली अगर आपने लॉगरिथमिक एम्पलीफायर पढ़ा होगा तो वहां पे आपको दिखा होगा कुछ इस तरह की सर्किट लगाई जाती है, एक डायोड यूज किया जाता है। ये किसकी तरह से वर्क करेगा, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की वजह से। देखिए डिफरेंशिएटर तो है नहीं, हाफ ए रेक्टिफायर है नहीं, एक्सपोनेंशियल है नहीं, तो जो भी होगा वो क्या होगा लॉगरिथमिक एम्पलीफायर होगा। ठीक है, क्योंकि आप जब भी आउटपुट यहाँ पे देखोगे, मैं बता देता हूँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ln ऑफ वी इनपुट। तो ये जो आंसर होगा आपका लॉगरिथमिक एम्पलीफायर वो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर ले आप। 36 देखिए, फॉर माइनस वन टू प्लस वन एक्स की वैल्यू लिमिट है, द समेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू। देखिए इसको अगर आप पुट करोगे, ध्यान से देखना, तो टेन इनवर्स एक्स का जो एक्सपेंशन आता है वो आता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स टू पावर फाइव बाई फाइव प्लस माइनस एक्स टू पावर सेवन बाई सेवन प्लस एक्स टू पावर नाइन बाई नाइन, ऐसे कर करके डॉट डॉट डॉट। इसको आप लिख सकते हो समेशन एन इजकल टू जीरो टू इनफाइनेट माइनस वन टू पावर एन एक्स टू पावर टू एन प्लस वन अपॉन ये जो दिया हुआ है टू एन प्लस वन करके। देखिए एन के वैल्यू पुट करते जाए तो ये टेन इनवर्स एक्स का क्या है एक्सपेंशन है, तो काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आई होप आपको आपने इसको सही लगाया होगा, इसको टिक कर लीजिए। 37 आइए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए नैरो लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस व्हेन इट इज फेस्ड बाय ए बैरियर विद ए नैरो स्लिट्स वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस डी एंड ऑल एट एक्स इक्वल टू जीरो। देयर इज अ वर्टिकल स्क्रीन एट एक्स इक्वल टू कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, व्हाट इज द एंगल थीटा एट द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट एंड द नेक्स्ट नियरेस्ट डार्क स्पॉट सबटेंड एट द सेंट्रल स्लिट एक्स वाई विल बी इक्वल टू जीरो जीरो। यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ स्लिट होगी, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें आपको बना दें, ये देखिए कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। ओके, ये सेंट्रल होगा, सेंट्रल ये डी है आपका। ओके, और ये भी आपका अगर हम ले लें तो ये भी आपको डी मान लीजिए। ठीक है, सेंट्रल पे क्या होगा, पैटर्न थोड़ा सा बना दूं मैं, यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा आपका कुछ इस तरह का, फिर मिनिमम कुछ इस तरह का यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्लिट जो होगी यहाँ पे अगर वन टू थ्री, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू किस पे है, अगर हम ध्यान दें तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई थिंक दिया नहीं है, तो आप क्या करो प्रिंसिपल के लिए आप ले लो, तो आप कर दो इसको, चलो ए लैम्डा, ए लैम्डा बाई एन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए लैम्डा बाई थ्री। पोजिशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या कर दो आप, ए की वैल्यू आप सिंपली वन पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई थ्री डी। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, साइन इनवर्स लैम्डा बाई थ्री डी। तो साइन इनवर्स लैम्डा बाई थ्री डी ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपको क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड बी मैनेजेस टू मूव सम पेबल्स इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी देन द मास ऑफ द हैवीएस्ट पेबल दैट इट कैन बी मूव्ड इन एच इज द कॉन्स्टेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाना था ही नहीं इस क्वेश्चन को, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हुए होंगे। सिंपल आप क्या करो, मास पूछा है, मास के अगर डायमेंशनली चेक कर दो, तो आप देखोगे ऑप्शन बी जो है
उसका डायमेंशन ये मास्क आएगा ए रो बी टू पावर सिक्स बाई जी क्यू, तो ऑप्शन मास्क आएगा, तो आप क्या वहाँ पे क्या करना था आपको इसको टिक कर लेना था। तो आई होप आप इसको सही किए होंगे। बिना देखिए बी स्मार्ट नॉट ए हार्ड वर्कर, ओके। 39 देखिए द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल हुज वेव फंक्शन इज दिस साई एक्स इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर प्लस आई के एक्स इज गिवन बाई। अब यहाँ पे देखिए मोमेंटम जो होता है याद रखे रहिए कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका साई पी साई, ये निकालना पड़ेगा आपको और इसका एक बार आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हो माइनस आई एच कट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई स्टार डी साई बाई डी एक्स डी एक्स, और इसको नॉर्मलाइज कर दो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई स्टार साई डी एक्स करके आप देख लीजिएगा। जब करोर के सब आप देखोगे तो ये वैसे याद रखे रहो एच कट के आता है, ये क्या होता है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार पूछा गया है, तो आप करके देखिएगा, आप नॉर्मलाइज कर लेना तो ये यही चीज़ आपको मिलेगी वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, टू पार्टिकल ऑफ मास m ईच आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ लेंथ l एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k, द सिस्टम इज लाइंग इन ए रिलैक्स स्टेट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, ओके। ए वेरी शॉर्ट इम्पल्स p इज अप्लाइड टू द फर्स्ट मास अलोंग द एक्सिस ऑफ सिस्टम एट t इज इक्वल टू जीरो, ओके। When should be the second mass first come to the rest? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, कुछ इस तरह का सिस्टम है आपका, रेस्ट में है मास, एक मास बना लो दो मास बना लो और यहाँ पे आप एक स्प्रिंग से कनेक्ट करा दीजिए जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k होगा, ओके। ये इसका मास m है, इसका भी मास m है, राइट। ये इनिशियली रेस्ट में है, रेस्ट में है और इस पर पुश किया जा रहा है v वेलोसिटी से, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रेड्यूस मास निकालना है, तो रेड्यूस मास क्या हो जाएगा आपका m1 m2 अपन m1 plus m2 होता है, तो ये हो जाएगा आपका m by 2 यहां से, और ओमेगा के वैल्यू आपको पता है अंडर रूट क्या होती है, के बाई म्यू होती है, तो के म्यू के वैल्यू रख दो आप m बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 के बाई m हो जाएगा, ओके। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो t की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी आपकी 2 पाई बाई ओमेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अपॉन अंडर रूट m अपॉन 2 के। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जब टाइम बताना है जब सेकेंड ब्लॉक क्या हो जाए रेस्ट में हो जाए और ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन कुछ इसी तरह का हो, तो यहाँ पे आपको देखो क्या हो जाएगा, सिनेरियो कुछ चेंज होने वाला है, ये जो हो जाएगा कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये देखो आप रेड्यूस मास आप हो गया आपका m बाई 2 और इसका k ही है और ये इक्विलिब्रियम कुछ सिस्टम इस तरह का आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, t की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कैपिटल t इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके 2 पाई अंडर रूट m बाई 2 के, ये कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 से अंडर 2 को अंदर ले जाइए एक्चुअली, तो ये आ जाएगा आपका पाई अंडर रूट 2m बाई k, तो पाई अंडर रूट 2m बाई के आई थिंक अंडर रूट 2m बाई के, तो यहाँ पे आई थिंक कोई भी ऑप्शन यहाँ पे एटलीस्ट मुझे नहीं दिख रहा मैच कर रहा है, क्योंकि अगर हम ध्यान देखें तो t इक्वल टू पाई अंडर रूट m बाई 2 के, कोई भी ऑप्शन आप चेक कर लेना, मुझे यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो आई होप कि प्रोसेस कुछ इसी तरह का होगा, आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख लेना, तो जो भी आंसर 41 में देखिए क्या पूछ रहा है, उसमें बोल रहा है कि कंसीडर ए पार्टिकल हुज नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन दिया हुआ है कुछ ऐसा, साई एक्स विल बी इक्वल टू 2 अल्फा अंडर रूट अल्फा एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ एक्स इज लेस देन 0 वैल्यू विल बी 0। पूछा क्या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज पी एक्स विल बी इक्वल टू मार्ट साई एक्स का होल स्क्वायर पी, तो पी एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर अंडर रूट अल्फा मीन्स अल्फा का ये अल्फा हो जाएगा, तो 4 अल्फा क्यूब एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2ax, ये इतना हो जाएगा आपका, ये कब होगा जब x इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा जब x इज लेस देन 0 पे हो जाएगा, ये कंडीशन दी हुई है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, dp by dx को क्या कर देना है आपको 0 कर देना है, तो dp by dx को अगर 0 कर दे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, करके देखिएगा 2x एक्सपोनेंशियल 2ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा x, कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी, ये x नहीं है याद रख रही है अल्फा है, तो ये अल्फा कर लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको जीरो कर दीजिए, जीरो करके सॉल्व कर दीजिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू आ जाएगी वो 1 बाई अल्फा आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है एक्स एक्स इक्वल टू 1 बाई अल्फा पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 0 हो जाएगी, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा एक्स इक्वल टू 1 बाई अल्फा वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो आई होप कि इसको सभी ने सही किया होगा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, ओके। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल्फ कंटेंड मशीन हैज इट्स इनपुट टू इक्वल स्टडी स्ट्रीम ऑफ ए फ्लूड एट टेम्परेचर T1 एंड 4T1 रिस्पेक्टिवली,
द ओनली आउटपुट इज अ सिंगल हाई स्पीड जेट ऑफ द सेम फ्लूड एट टेम्परेचर टी. द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूड इज सी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ जेट. मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड यहाँ पे पूछा हुआ है. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन वैसे मैंने मैक्सिमम टाइम लगा दिया है और ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आया हुआ था वो आया था अंडर रूट सी इंटू टी वन. कैसे निकालना हम आपको बता देते हैं. यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ हीट निकालना है जो वाटर लेगा. तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेल्टा क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी एम फोर टी वन माइनस, ये देखिए टी वन और टी फोर टी वन के बीच का जो फाइनल टेम्परेचर टी एफ ले लीजिए आप. तो ये हो जाएगा टी एफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ये हो जाएगा माइनस एम सी टी एफ माइनस टी वन. तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एम सी, ये सी यहाँ पर लगा लीजिए, एम सी फोर टी वन माइनस टू टी एफ, ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू की वैल्यू. अब क्या है कि मशीन जो है स्टडी स्टेट में है, तो ये होगा आपका, हो जाएगा इक्वेशन लगा दीजिए वन बाई टू टू एम इंटू वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू. और डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, एम सी फाइव टी वन माइनस टू टी एफ, कुछ इस तरीके से है. अब इंक्रीज इन एंट्रोपी निकाल लीजिए. कैसे निकालेंगे, डेल एस विल बी इक्वल टू एम सी एल एन टी एफ बाई टी वन प्लस एम सी एल एन टी एफ अपॉन फोर टी वन. जो आप देखोगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लेगा तो टी एफ की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू टी वन आएगी. तो मैक्सिमम जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, सी फाइव टी वन माइनस फोर टी वन, जो हो जाएगा अंडर रूट सी इंटू टी वन. तो जो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा. तो आई होप आपने सबने इसको सही किया होगा. नेक्स्ट दीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो एक्सपेक्टेड है इस तरह क्वेश्चन. ए पार्टिकल ऑफ मास एम डीके इंटू टू पार्टिकल, वन पार्टिकल हैज मास स्मॉल एम एंड अदर पार्टिकल इज मासलेस. देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, मासलेस द मोमेंटम ऑफ द मासलेस पार्टिकल. देखिए अगर हम बात करें, कोई पार्टिकल मान लीजिए आपका ए है जिसका मास एम है कैपिटल एम, वो ब्रेक कर रहा है बी स्मॉल एम में और कोई सी में जो ये कि मासलेस है, ठीक है, कोई मास यहाँ पे नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के बाद जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बी का होगा मोमेंटम, वही किया होगा आपका सी का होगा, ठीक है. तो लगाइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पी ए विल बी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका एम ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर सी टू पावर फोर प्लस पी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका पी सी स्क्वायर सी स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा एम एस सी स्क्वायर माइनस, देखिए पी बी पी सी के यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा आपका एम ए सी स्क्वायर माइनस पी सी इंटू सी, ठीक है. यहाँ पे आप करोगे तो पी सी इंटू सी आ जाएगा, ओके. और ये कितना हो जाएगा आपका, ये सी, ये हो जाएगा आपका एम बी स्क्वायर सी टू पावर फोर प्लस पी बी स्क्वायर सी स्क्वायर. इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों स्क्वायर करके क्या करना है, सॉल्व कर लेना है. तो सॉल्व करके अगर आप देखोगे तो जो पी सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन टू एम इंटू सी, ये पी सी की वैल्यू आएगी. और ये किस कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, बी वाला मिल रहा है. तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा. तो आई होप आपने इसको सही किया होगा, इसको टिक कर लें आप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इन ए क्लास फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 58 केजी एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 25 केजी. हाउ मेनी स्टूडेंट हैव द वेट इन द रेंज ऑफ 53 टू 63 केजी. यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन से इसको लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, म्यू की जो वैल्यू है आपकी 58 केजी है और सिग्मा की वैल्यू जो है आपकी 5 केजी है, ठीक है. तो ए की वैल्यू कितनी होती है, म्यू माइनस सिग्मा मतलब 53 केजी हो जाएगी. और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू प्लस सिग्मा, ये हो जाएगा आपका 63 केजी हो जाएगी. तो आपको क्या करना है, एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व यहाँ पे निकालना रहता है, कुछ इस तरह का बनेगा. डिटेल मैं नहीं बता रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन को आप वहाँ पे स्किप करके आइएगा क्योंकि टाइम टेकिंग होता है अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो. तो यहाँ पे देखिए म्यू माइनस सिग्मा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू प्लस सिग्मा हो जाएगा और एक्स इक्वल टू म्यू पे ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है. तो ये होगा 53, ये हो जाएगा आपका 63 और बीच में आपका है 58. तो यहाँ पे जो आप निकालोगे, P म्यू माइनस सिग्मा लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा, ये अराउंड जो आएगा आपका अगर आप देखोगे तो एरिया अंडर द कर्व होगा. तो ये हो जाएगा 100 इंटू एरिया अंडर टू a इंटू b. तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये a वाला पोर्शन है और ये b वाला पोर्शन, इसे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इसका एरिया आप निकाल लीजिए. तो ये अराउंड आएगा 100 इंटू 0.68, ये वो 68 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो आएगी अराउंड आएगी 0.68 के करो. तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा. तो इसको आप टिक कर लीजिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस सेल विथ ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वन आर्म ऑफ ए माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इफ द लाइट सोर्स ऑफ द इंटरफेरोमीटर इज लेजर विथ ए वेवलेंथ ऑफ 632.2 नैनोमीटर, देन 100 फ्रिंजेस आर काउंटेड एट द गैस सेल इज इवैक्यूएटेड, व्हाट इज द इंडेक्स रिफ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल गैस। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सपोज कर लीजिए अगर एन नंबर ऑफ फ्रिंजेज है ऑन स्क्रीन पे, तो आपको पता है कि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 12 विल बी इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। अब क्या है कि एन प्लस 100 नंबर ऑफ फ्रिंजेज अपीयर हो रही है, तो ये क्या आप इसको लगा सकते हो, इसको आप लगा सकते हो 2 म्यूवल विल बी इक्वल टू एन प्लस 100 इंटू लैम्डा। यहाँ पे 2 म्यूवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, म्यू माइनस 1 इंटू एल विल बी इक्वल टू 100 लैम्डा, राइट। ये क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 भी इक्वल टू 100 लैम्डा बाई 2L। वैल्यू दी हुई पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100 इंटू 632.2 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर में है, और 2 इंटू एल के वैल्यू 10 सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये अराउंड आ जाएगा 36.1 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे काउंट कर लीजिए, तो ये म्यू की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 1.0003 जो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर ले, सिंपली टिक कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है, चाइल्ड ऑफ मास 3m सिट्स ऑन ए स्विंग द बेस ऑफ व्हिच हैज मास m व्हाइल द रोप ऑफ लेंथ l हैज नेग्लिजिबल मास, एन ओल्डर चाइल्ड पुल्स बैक टू द स्विंग व्हाइल द चाइल्ड अंटिल द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ हाफ a रेडियन विद द वर्टिकल एंड देन पुशेज विद अ फोर्स mg अलोंग द आर्क ऑफ द सर्कल अंटिल द रोप इज एग्जैक्टली वर्टिकल एंड रिलीजेज इफ द रोप इज ऑलवेज टॉट फॉर हाउ लॉन्ग डिल द चाइल्ड पोज। देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रुप में डिस्कशन हो चुका है, इस तरह क्वेश्चन को अगर आपको आएगा तो लगाइएगा, नहीं आएगा तो मत लगाइएगा। इसका जो आया था आंसर, जहाँ तक मुझे याद है अगर आप देखोगे तो इसका कोई आंसर आई थिंक मैच नहीं किया था, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग था शायद, मुझे जहाँ तक याद है। इसको आप क्या कर लो, स्किप कर दो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर था वो आपको नहीं मिला था। ओके, 47 देखिए, एक्सरे अंडरगो ब्रैग रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, द डेंसिटी नोन विद एन एक्यूरेसी ऑफ 3 मिनट्स ऑफ आर्क, व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ। ओके, तो हमें पता है कि 2d साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2d साइन थीटा अपॉन एन। ln ले लीजिए तो ln लैम्डा विल इक्वल टू ln 2 ln d ln साइन थीटा और प्लस ln l, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा देखना है, ये किसका इक्वल हो जाएगा, डेल्टा डी बाई डी प्लस कॉट थीटा डेल्टा थीटा। ओके, अब देखिए आपको क्या होगा यहाँ पे, ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, पूछा है कि वॉल्यूम जो है यूनिट सेल का कितना होता है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो वॉल्यूम जो होता है, अगर आप याद होगा तो ये डी क्यूब जो होता है वो क्या होता है, एम अपन रो एन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी विल बी इक्वल टू 1/3 डेल्टा रो बाई रो। ओके, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके वैल्यू को पुट करना है आपका, तो ये हो जाएगा आपका प्लस डेल्टा थीटा बाई थीटा कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻², प्लस 3/6 इंटू 60। ओके, मिनट है उसको सेकंड में चेंज करेंगे, सॉल्व करके देख लीजिए तो आएगा 1.1 इंटू 10⁻², जो कि ऑप्शन बी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन अनचार्ज स्पिन हाफ पार्टिकल ऑफ मास एम इज कन्फाइंड टू मूव ऑन ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए, द पार्टिकल हैज मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू, ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर, देन द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ द पार्टिकल आर एन इज इंटीजर। यहाँ पे आपको पता है कि जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगी, हम यहाँ पे बता देते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 2ma² प्लस माइनस म्यू बी। प्लस माइनस म्यू बी हम इसलिए कह रहे हैं कि जब आप इसका एनर्जी आइगन वैल्यू निकालोगे वो आएगा आपका एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 2ma², याद रखे रहो, और प्लस माइनस म्यू बी यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन को लगाने की जरूरत थी नहीं, आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते थे, इजिली सॉल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चन क्या था, ईजी था। अब 49 पे चलते हैं, 49 कह रहे हैं, फोटोन ऑफ इनिशियल वेवलेंथ 0.4 एंगस्ट्रॉम सफर टू सक्सेसिव कोलिजन विद 2 इलेक्ट्रॉन, द रिफ्लेक्शन इन द फर्स्ट कोलिजन 90 डिग्री, सेकंड कोलिजन 60 डिग्री, द फाइनल वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। ये देखिए क्वांटम इफेक्ट का है, लैम्डा सी जो होती है वो क्या होता है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई के इक्वल होती है। पहला कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, इसको पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन एम नॉट सी
वन माइनस कॉस 90 ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपॉन एम नॉट सी के इक्वल हो जाएगा। दूसरा जो दिया है वो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, 1 माइनस कॉस 60 कर लीजिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपॉन कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 बाई टू, सॉल्व करके देखिएगा तो ये आ जाएगा एच अपॉन टू एम नॉट सी हो जाएगा। तो यहाँ पे वेवलेंथ जो फाइनल फोटोन का निकलेगा आपका, वो निकलेगा लैम्डा डैश की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी लैम्डा नॉट प्लस एच अपॉन एम नॉट सी प्लस एच अपॉन टू एम नॉट सी, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट प्लस 3 बाई टू एच अपॉन एम नॉट सी। सबकी वैल्यू को पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए तो जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा 0.436 एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए, इजी था। आज इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन इसको ध्यान से देखिए, सैंपल ऑफ सर्टेन एलिमेंट इज प्लेस्ड इन ए 0.3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू दी है 0.3 टेस्ला, हाउ फार अपार्ट द जीमान कंपोनेंट्स ऑफ द 450 नैनोमीटर स्पेक्ट्रल लाइन, लैम्डा की वैल्यू दी है आपकी 450 नैनोमीटर, इसको लिख सकते हैं 450 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ओके। अब यहाँ पे क्या पूछा है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू पूछिए, तो फॉर्मूला लगा दीजिए आपका, डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल होता है, ई बी लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4πmc, सारा का वैल्यू पुट कर दीजिए, जब वैल्यू आप पुट करके देखोगे तो जो एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका आएगा 0.00283 नैनोमीटर। तो यहाँ पे 0.00 ऑप्शन 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन होगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो भी आपको आंसर रॉन्ग लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में या अपने चैनल पर डिस्कस कर लेंगे। और जो भी मेरे चैनल पर नए, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब तक फ्रेंड मैंने 2015, 2016 और 2019 का कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया है, अपकमिंग डेज में आपको 2017 और 2018 के भी सोल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो आई होप गाइज आप अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।